Hi student, welcome to RCI Azuhub online classes. Class 12, Agriculture, Subject, Biology. Topic, खपरा भरण का जीवन चक्र. खपरा भरण जो होता है इसका जीवन चक्र, उसमें सर्वप्रथम खपरा भरण जो होता है इसकी मादा निर्गमन के पश्चात दो से तीन दिन बाद मैथुन की क्रिया करती है, यानी कि माता जो होती है वो नर के साथ निर्गमन यानी कि सहवास के बाद या कुछ समय उसके साथ में रहने के दो से तीन दिन बाद मैथुन की क्रिया करती है. मैथुन की क्रिया के एक से तीन दिन बाद अंडे देती है. अंडे देने का जो कार्य होता है वो मैथुन की क्रिया से एक से दिन के बाद में वो शुरू करती है. अंडे जो होते हैं वो मादा के द्वारा अलग अलग दिए जाते हैं. अनाज के जो दाने होते हैं उन दानों के ऊपर अलग अलग यानी कि समूह में नहीं दिए जाते, झुंड के रूप में अंडे नहीं दिए जाते, वो अलग अलग दिए जाते हैं और दो से पांच के समूह में, सिर्फ दो से पांच समूह भी अगर हो सकता है तो दो से पांच तक का ये हो सकता है, बाकी अलग अलग जगह पर इसको दिया जाता है. जीवन काल के अंदर नहीं, जीवन काल में जो माता जो होती है वो 120 से 150 अंडे देती है. कुल जो अंडों की संख्या जो होती है वो 120 से 150 दिन होती है. अंडे जो दिए जाते हैं उन अंडों से लार्वा या फिर लक निकलने का जो समय होता है वो गर्मियों में और सर्दियों में अलग अलग होता है, यानी कि उष्मायन काल जो है उष्मायन काल वो अलग अलग होता है गर्मियों के अंदर, वो दो से तीन से पांच दिन का, तीन से पांच दिन का होता है, और सर्दियों में ये छह से दस दिन का होता है, अलग अलग रहता है. गर्मियों में उष्मायन काल वो कम रहता है, सर्दियों में उष्मायन काल जो होता है वो ज्यादा रहता है. इसके बाद यहाँ पर नरडिंबक जो होते हैं, नरडिंबक वो मादा से जल्दी परिपक्व होते हैं, विकसित होते हैं. यहाँ पर नरडिंबक 20 से 30 दिन में विकसित हो जाते हैं, जबकि माता जो डिंबक है वो 30 से 40 दिन के अंदर आकर ये विकसित होती है. विकसित होने का जो समय है वो भी नर और मादा का डिफरेंस होता है. नर डिंबक 20 से 30 दिन में और मादा जो होती है वो 30 से 40 दिन में विकसित होती है. इसके बाद में जो लट जो अवस्था होती है वो कोशित में चेंज हो जाती है, कोशित, और ये भी जो दाने होते हैं उन दानों के गर्भ के अंतिम निर्मोक में, अंतिम निर्मोक यानी कि दाने जो होते हैं उनके अंदर ही ये लट अवस्था जो है वो कोशित में बदल जाती है. कोशित काल जो होता है जिसके बाद में किसमें चेंज होता है, प्रौढ में, वो 4 से 6 दिन का होता है, 4 से 6 दिन का. वर्ष भर में खपरा भरण की जो पीढ़ियां पाई जाती है वो 4 से 5 होती है. एक वर्ष में इसकी पीढ़ियां जो है वो 4 से 5 होती है. इस प्रकार से खपरा भरण जो है इसका जीवन चक्र वो समाप्त होता है. धन्यवाद.